वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंट्रासेप्टिव मेथड्स। चैप्टर हमारा चला हुआ है 12th बायोलॉजी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरह से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है, और उसकी वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट होती है, जैसे शेल्टर की प्रॉब्लम है, फूड की प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, क्लोथिंग की प्रॉब्लम है। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुत सारे कंट्रासेप्शन के मेथड यूज किए जाते हैं। उन्हीं मेथड को हम बारी बारी से डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कंट्रासेप्शन या फिर कंट्रासेप्टिव। इसका मतलब है बच्चों अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना। कंट्रासेप्शन का मतलब है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं, जिनको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेथड है नेचुरल मेथड, फर्स्ट मेथड है ये। इसी मेथड को हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, और इसी मेथड को हम बिहेवियरल मेथड भी बोलते हैं। तो तीनों का मतलब सेम है। तो नेचुरल मेथड के अंदर कई हम तरीके ऐसे यूज कर सकते हैं जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके बिना किसी डिवाइसेज का यूज करके। पहले टाइम में इतनी मेडिसिन की जो फैसिलिटी है वो नहीं थी, इतनी डिवाइसेज नहीं थी, तो उस दौरान इन मेथड का यूज किया जाता था, इसीलिए इनको ट्रेडिशनल मेथड बोला जाता है। तो देखते हैं कौन कौन सी वो प्रैक्टिस है, कौन कौन से वो प्रोसीजर है जिनको फॉलो करके हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है नेचुरल मेथड के अंदर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब है कि जैसे हमें पता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज के बाद रिपीट होता है, 28 डेज के बाद रिपीट होता है। उसमें से जो 28 डेज का साइकिल है उसमें से जो 1-5 डे है, 1-5 दिन तक हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, उसके बाद 6-10 डे तक जो एंडोमेट्रियम है वो रिपेयर होगी, और 11-19 डे तक ओव्यूलेशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 22-28 डे तक है उस दौरान जो हमारा ओवम बना है वो डीजेनरेट होगा, तो इस तरह से चार पीरियड में हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको डिवाइड किया जाता है। तो हमारे लिए जो सबसे डेंजर पीरियड है प्रेगनेंसी के लिए वो कौन सा है, 11-19 डे। तो इस टाइम के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स से बच के, इस टाइम के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स यदि नहीं करेंगे तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। फर्स्ट 5 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उसके बाद 6-10 तक एंडोमेट्रियम रिपेयर होती है। कहने का मतलब जो फीमेल है वो इस टाइम के दौरान, फर्स्ट 2-10 डे के दौरान जो प्रेग्नेंट होने के लिए रेडी नहीं होती, क्योंकि उस टाइम तो ओवम ही बना हुआ नहीं होता, ओवम ही रिलीज नहीं होता। उसके बाद 20-28 डे तक भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि उस दौरान जो ओवम है वो डीजेनरेट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा चांस प्रेगनेंसी के है 11-19 डे के अंदर। तो इस दौरान हम सेक्सुअल इंटरकोर्स से बच के
अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो इसी वजह से हम इस मेथड को बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। टाइम का यूटिलाइज करके यदि हमें ये मेथड पता है तो हम इसके अकॉर्डिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं बिना किसी मेडिसिन और बिना किसी डिवाइसेस का यूज किए। इस मेथड को कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी नाम से आ सकता है एग्जाम में, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के नाम से भी आ सकता है, कैलेंडर मेथड के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, क्योंकि इसमें हमें कैलेंडर बनाना पड़ेगा 28 डेज का। तो उसमें ऐसे ही देख सकते हैं जो 11 टू 19 डे है उस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स न करके हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं नेचुरल के अंदर ही। जो सेकंड मेथड है वो है विड्रावल मेथड, या फिर इसको बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस, कोइटस इंटरप्टस। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म को वेजाइना में इजेकुलेट होने से पहले ही हम पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेते हैं। स्पर्म को इजेकुलेट होने से पहले ही पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो ओम के साथ फ्यूज नहीं हो पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता और प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। तो इस तरह से भी हम अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज करके अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। थर्ड जो मेथड आता है नेचुरल के अंदर ही वो है लैक्टेशनल लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया का मतलब क्या है कि जैसे हमें पता है जब पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है, मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम के दौरान जो सिक्स मंथ का टाइम है जब तक लैक्टेशन स्टार्ट रहेगा फीमेल के अंदर, उस दौरान जो ओवम है वो नहीं बनेगा। सिक्स मंथ तक, पार्चुरेशन के सिक्स मंथ तक ओवम नहीं बनता, तो यदि ओवम ही नहीं बनेगा तो उस दौरान प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती, तो उस दौरान हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं बिना किसी सेफ्टी डिवाइसेज का यूज किए। लेकिन जो ये मेथड है ये सभी फीमेल्स के लिए ठीक नहीं है, इसमें बहुत सारी फीमेल में इसका एक्सेप्शन मिल सकता है, बहुत सारी फीमेल में 2 या 3 महीने के बाद ही ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा मेथड है वो है बैरियर मेथड। सेकंड मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब क्या है, किसी भी काम में रुकावट पैदा करना। तो हम रुकावट भी पैदा कर सकते हैं, स्पर्म और ओवम के बीच में रुकावट पैदा कर सकते हैं हम किसी डिवाइस का यूज कर सकते ताकि वो आपस में ना मिले और फर्टिलाइजेशन ना हो। तो जो बैरियर मेथड है इनमें सबसे मेन है वो है कॉन्डोम्स, जिसको मेल यूज करते हैं। कॉन्डोम्स क्या होता है, एक थिन रबर की सीट होती है जिसको फीमेल अपने पेनिस के ऊपर, ये मेल अपने पेनिस के ऊपर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन है वो नहीं हो पाता, स्पर्म और ओवम है वो आपस में नहीं मिल पाते और प्रेगनेंसी नहीं होती। तो पिछले कुछ सालों में कॉन्डोम का यूज काफी बढ़ा है बच्चों, क्योंकि जो कॉन्डोम है वो हमें एक तो एसटीडी से बचाते हैं और एक एड्स से बचाने का काम करते हैं।
एसटीडीज होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इस एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने का काम भी कंडोम करते हैं, तो इसी वजह से इसका यूज काफी बढ़ा है। दूसरा, इसके यूज के बढ़ने का जो कारण है, इसको कोई भी इंडिविजुअल बिल्कुल इजीली यूज कर सकता है। थर्ड है, इसके यूज करने से प्राइवेसी बनी रहती है, क्योंकि इसको इंसर्ट करने के लिए किसी डॉक्टर वगैरह की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती, कोई भी इसको अपने आप ही इंसर्ट कर सकता है, जिससे प्राइवेसी बनी रहती है। तो इस वजह से इसका जो यूज है वो बढ़ा हुआ है। जो कोंडोम है वो डिस्पोजेबल होते हैं। ठीक है, और हर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अलग से कोंडोम का यूज करना ही सेफ रहता है। हम कोंडोम को वॉश करके दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार यूज करके उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। तो ये हो गया बच्चों कोंडोम। नेक्स्ट जो बैरियर मेथड है वो हम देख लेते हैं, उसमें आता है सर्विकल कैप्स है, वॉलनट्स है। ठीक है, तो ये कुछ डिवाइसेज आ जाती है, या फिर डायफ्रेम है। ये डिवाइसेज यूज की जाती है फीमेल के द्वारा। इन सभी डिवाइसेज को फीमेल अपने जो यूटेरस है, जो सर्विकल कैनल है, उसमें यूज कर सकती है, जो क्या करते हैं स्पर्म को ओवम तक नहीं पहुंचने देते और प्रेगनेंसी से बचाते हैं। इन डिवाइसेज के साथ में स्पर्मिसाइडल मेडिसिन का यूज भी किया जाता है। स्पर्मिसाइडल का मतलब होता है जो ऐसी दवाइयां जो स्पर्म को किल कर देती है, स्पर्म को मार देती है, तो स्पर्मिसाइडल का यूज भी किया जाता है इन जो डिवाइसेज है उनके साथ में, ताकि इनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सके। तो जो स्पर्मिसाइडल है वो क्या क्या हो सकते हैं, वो जेली की फॉर्म हो सकती है, और क्रीम हो सकती है, और फॉर्म्स हो सकती है। तो स्पर्मिसाइडल जेली अवेलेबल है, क्रीम अवेलेबल है, और फॉर्म्स अवेलेबल है, जिनका हम इन डिवाइसेस के साथ में यूज कर सकते हैं एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। ये डिवाइसेस स्पर्म को रोकेगी ओवम तक जाने से, और ये डिवाइसेस उनको मार देगी, तो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो ये थे बच्चों हमारे बैरियर मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईयूडी, जो थर्ड है, आईयूडीज यानी कि इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, आईयूसीडी भी बोलते हैं इसको, या फिर आईयूडी भी बोलते हैं, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, या फिर आईयूसीडी इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो बैरियर मेथड था उसमें बिना किसी डॉक्टर की हेल्प के हम उन बैरियर्स का यूज कर रहे थे, चाहे वो मेल की बात करें, मेल में कंडोम्स की बात करें, या फिर फीमेल के अंदर जो डायफ्राम है, वॉलनट है, सर्विकल कैप्स है, उनकी बात करें। लेकिन जो आईयूडीज है उनमें हम क्या करेंगे, डॉक्टर या फिर ट्रेंड जो नर्स है उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। इनके लिए हमें डॉक्टर्स या फिर ट्रेन नर्सेज की जरूरत पड़ती है, इनको अपने आप से इंसर्ट नहीं किया जा सकता। तो जो ये डिवाइसेज है उनमें क्या क्या आएगा,
एक आता है, फर्स्ट जो इसका टाइप है वो है नॉन मेडिकेटेड, जिसमें हम किसी भी मेडिसिन का यूज नहीं करते, केवल डिवाइस का यूज करेंगे, तो वो है लिप्स लूप्स। लिप्स लूप क्या होता है बच्चों? एक है डबल एस शेप का डिवाइस होता है, रबड़ का बना हुआ, रबड़ का बना हुआ डबल एस शेप का डिवाइस होता है, जिसको एज इट इज जो फीमेल का यूटेरस है, जैसे जो फीमेल का यूटेरस है वहां पे इसको ऐसे इंसर्ट कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो आगे नहीं जा सकते, वो ओवम तक नहीं पहुंच पाते और अनवांटेड प्रेगनेंसी होने से बच सकते हैं। तो इस तरह से हम नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप का या फिर डबल एस लूप भी इसको बोलते हैं, उसका यूज करके अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। सेकंड इसके अंदर आता है मेडिकेटेड। तो मेडिकेटेड में जो मेन है वो है कॉपर टी, CU7 और मल्टीलोड। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें हम डिवाइसेज के साथ में मेडिसिन का भी यूज करते हैं। मेडिसिन का यूज क्यों करेंगे? तीनों ही कॉपर रिलीजिंग डिवाइस है। ये तीनों ही कॉपर रिलीजिंग डिवाइस है, इनके अंदर से कॉपर रिलीज होता रहता है। जब इनको यूटेरस के अंदर इंसर्ट किया जाता है तीनों को ही, तो इनके अंदर से जो कॉपर है वो धीरे धीरे करके रिलीज होता है। और कॉपर यहां पे क्या काम करता है? स्पर्मिसिडल का काम करता है, स्पर्म को मारने का काम करता है। तो इसलिए जो ये डिवाइसेज है ये ज्यादा इफेक्टिव होती है और आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा इनका यूज हो रहा है। तो ये आती है मेडिकेटेड डिवाइसेज के अंदर। ये भी रबड़ की बनी हुई होती है, तीनों ही जो डिवाइसेज है वो रबड़ की बनी होती है और इनके ऊपर कॉपर की एक लेयर होती है जो कि अकॉर्डिंग टू टाइम स्मॉल अमाउंट में रिलीज होती रहती है और स्पर्म को किल करने का काम करती है। तो ये थे हमारे IUDs, intrauterine devices। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों ओरल पिल्स। फोर्थ जो हमारे मेथड है वो है ओरल पिल्स। ओरल का मतलब जिनको हम अपने मुंह से खा सकते हैं। तो इसमें कुछ टैबलेट्स वगैरह आती है, उन टैबलेट्स में जो कॉम्बिनेशन होता है प्रोगेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, ये दोनों ही फीमेल हार्मोन है। इन दोनों हार्मोन का कॉम्बिनेशन, इन दोनों हार्मोन के कॉम्बिनेशन से टेबलेट बनाई जाती है। जिसका हम ओरली यूज करते हैं और ये दोनों ही हार्मोन प्रेगनेंसी से बचने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गई ओरल पिल। इसके अलावा भी बहुत सारे इन दोनों हार्मोन का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम इंजेक्शन की फॉर्म में भी दे सकते हैं और IUD में भी इसका यूज होता है, IUD में भी इसका यूज होता है। तो उस डिवाइस का नाम है जो IUD में काम आती है प्रोगेस्टासर्ट। सर्ट का मतलब है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है यूटेरिन कैविटी में और उसके अंदर भी प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं या फिर अकेला प्रोगेस्टेरोन हो सकता है। यहाँ पे जो प्रोगेस्टासर्ट है उसमें केवल प्रोगेस्टेरोन हार्मोन मिलेगा जो क्या करेगा, धीरे धीरे करके रिलीज होता रहेगा और स्पर्म को किल करने का ये या फिर प्रेगनेंसी से बचाने का काम करेगा। तो ये थे बच्चों हमारे IUDs।
सॉरी ओरल पिल्स। ओरल के अलावा भी हमने जो इंजेक्टेबल कॉम्बिनेशन था प्रोगेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का वो भी देखा, और किस तरह से आईयूडी में भी प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का यूज होता है जो प्रोगेस्टासर्ट है वो देखा। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट है सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं, जो मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर कुछ चेंजेज कर देते हैं सर्जरी के थ्रू, चीर फाड़ के थ्रू उसके अंदर कुछ चेंजेज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये दो टाइप की होती है, फीमेल में और मेल में। तो जो वैसेक्टोमी है ये होती है मेल के अंदर, दूसरा है ट्यूबेक्टोमी ये होती है फीमेल के अंदर। तो आइए देखते हैं वैसेक्टोमी में क्या होता है और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है। तो सबसे पहले वैसेक्टोमी देख लेते हैं। वैसेक्टोमी में होगा क्या, जैसे ये टेस्टिस है, ये पेनिस है, यहां से वास डिफरेंस आती है जो कि यूरेथ्रा के अंदर खुलती है। तो जैसे ही जो स्पर्म है, टेस्टिस है, ये है पेनिस, ये है वास डिफरेंस। तो जो स्पर्म है हमें पता है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो स्पर्म है वो टेस्टिस में बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर, और वहां से बनने के बाद वास डिफरेंस के थ्रू यहां पे यूरेथ्रा तक आते हैं। तो इस मेथड के दौरान हम क्या करते हैं, जो वास डिफरेंस है उसको दोनों साइड के जो वास डिफरेंस है किसी प्लेस से काट के उसका एक पीस निकाल लिया जाता है और उसको दोनों साइड से बांध दिया जाता है। तो इस तरह से जो हमारे टेस्टिस के अंदर बनने वाले स्पर्म है वो आगे नहीं जा पाएंगे, और जो हमारा सीमन होगा उसके अंदर स्पर्म नहीं होंगे, और यदि सीमन के अंदर स्पर्म ही नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो इस मेथड का हम यूज करके अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन यह मेथड है वो परमानेंट है, यह मेथड परमानेंट है, इसको हम अपने मर्जी के अकॉर्डिंग यूज नहीं कर सकते। एक बार ये हो गया तो लाइफ टाइम तक ही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैसेक्टोमी, सॉरी ट्यूबेक्टोमी, जो सेकंड है ट्यूबेक्टोमी, ये फीमेल में होता है। इसमें क्या होगा, जैसे ये ओवरी है, यहां से जो फैलोपियन ट्यूब आती है जो ये फैलोपियन ट्यूब है दोनों साइड में ही, उसमें क्या होगा, जो ओवरी है ओवरी के अंदर से ओवम रिलीज होता है, और वो यहां पे जो हमारा एम्पुला इस्थमस जंक्शन है वहां पे आएगा, वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब को भी एक प्लेस से उसका पीस निकाल लेते हैं और उसको भी बांध देते हैं। तो इससे क्या होगा, ओवम तो रिलीज होगा लेकिन जो स्पर्म है वो ओम तक नहीं पहुंच पाएंगे, और इस तरह से भी हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। जो सर्जिकल मेथड है बच्चों वो दोनों ही परमानेंट है। आजकल काफी अच्छी टेक्नोलॉजी आई हुई है जिससे हम जो फैलोपियन ट्यूब है उसको काटते नहीं है, केवल बांध देते हैं,
और यदि कोई इमरजेंसी हो जाए दोबारा हम उसको खोलना चाहे तो सर्जरी से ही उसको दोबारा से ओपन किया जा सकता है, रीओपन किया जा सकता है सर्जरी के द्वारा ही इसको। तो पहले के टाइम में क्या होता था, काट के पीस निकाल लेते थे, लेकिन आजकल के टाइम में केवल उसको बांध दिया जाता है अच्छे से, और जब भी रिक्वायरमेंट होती है दोबारा से उसकी फिर सर्जरी करवानी पड़ती है और फिर उसको खोल दिया जाता है। तो ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। तो इस तरह से हमने ये सारे मेथड जो कंट्रासेप्शन के थे उनको इस वीडियो में किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।